दोस्तों इस वीडियो में बगैर प्लेटों वाली पैंट की कटिंग किस तरह से करते हैं बताएंगे। तो चलिए दोस्तों पैंट का नाप देख लेते हैं। लंबाई है 37, हिप 40 इंच, कमर 38 इंच और मोहरी 18 इंच। कपड़े की जो सीधे साइड है उसको अंदर की तरफ रखेंगे, देखिए इस तरह से, और उल्टे साइड को बाहर की तरफ रखेंगे और इस तरह से कपड़े को बिछा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक लाइन करेंगे, सीधी लाइन करेंगे। पेंट की लंबाई है 37 इंच, तो हाफ इंच माइनस करेंगे और 36.5 इंच पर लंबाई का निशान रखेंगे, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर 2.25 इंच फोल्डिंग के लिए लेंगे, जो नीचे की तरफ तुरपाई वगैरह होता है उसके लिए। इसके बाद लटक का निशान लगाएंगे, तो इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हिप के हिसाब से लटक का निशान रखेंगे, तो चौथा हिस्सा होगा 10 इंच, लेकिन 2 सूत माइनस करके 10.25 इंच पर लटक का निशान रखेंगे। इसके बाद इन सभी निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद जांघ के पास ये देखिए हाफ इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। इसके बाद हम जांघ का निशान रखेंगे, तो जांघ है 26.5 इंच, तो उसका हाफ करेंगे 13.25 इंच। तो यहाँ से देखिए हम 13.25 इंच इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे जांघ का। इसके बाद फ्लाई के लिए लेंगे 1.25 इंच, उसके बाद इस तरह से हम सेंटर कर लेंगे, ये देखिए यहाँ पर सेंटर का निशान लगाएंगे। अब इसके बाद सेंटर से कोर तक कितना है देखेंगे, तो हमारा जितना भी आएगा कोर तक उतना ही निशान यहाँ पर भी लगाएंगे कमर के पास सेंटर के लिए, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर मोहरी के पास भी इस तरह से हम सेंटर का निशान लगा लेंगे। इसके बाद फ्लाई का निशान जहाँ पर लगा है और सेंटर का निशान वहाँ से कितना है देख लेंगे, तो जितना भी रहेगा कमर के पास हम हाफ इंच माइनस करके निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हम हाफ इंच माइनस करके निशान लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद जांघ वाली लाइन से ऊपर की तरफ 2 इंच पे निशान लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से फ्लाई को राउंड कर लेंगे। इसके बाद हम फ्लाई को डाउन करेंगे हाफ इंच, इस तरह से हम हाफ इंच डाउन कर लेंगे। पेंट की जो कमर है 38 इंच है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 38 इंच, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर हम कमर का निशान लगाएंगे, तो 38 का चौथा हिस्सा होगा 9.5 इंच, और 1 इंच दबाव के लिए लेंगे तो 10.5 इंच, तो यहाँ पर हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद पॉकेट के लिए लेंगे यहाँ पर 2.5 इंच, यहाँ से ये देखिए इस तरह से, और नीचे की तरफ यहाँ पर हम लेंगे 7.25 इंच। इसके बाद राउंड फंटी लेंगे और इस तरह से शेप दे देंगे, ये देखिए इस तरह से, पॉकेट को भी शेप दे देंगे। इसके बाद मोहरी लेंगे यहाँ पर 18 इंच, तो 18 का हाफ करेंगे तो 9 इंच, और 9 का हाफ करेंगे तो 4.5 इंच, तो सेंटर से 4.5 इंच इधर लेंगे और 4.5 इंच इधर लेंगे, तो ये देखिए 9 इंच, और 9 को डबल करेंगे 18 इंच। इसके बाद राउंड फंटी लेंगे इस तरह से और जांघ से मोहरी तक इस तरह से शेप दे देंगे राउंड फंटी से, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद राउंड फंटी को पलटी करेंगे और इस तरफ भी शेप देंगे पैंट को।
दोस्तों इसी तरह की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑल पे रख लें ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके बाद यहाँ पर पॉकेट का निशान लगाया, वहाँ पर कट लगाएंगे। यहाँ पर ये देखिए कट लगाएंगे पॉकेट के पास। इसके बाद फ्लाई के पास भी कट लगा लेंगे ताकि जब हम स्टिचिंग करेंगे तो आसानी होगी इससे। इसके बाद बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, नीचे साइड को ऊपर और ऊपर साइड को नीचे ले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। इसके ऊपर फ्रंट को इस तरह से बिछाएंगे। बैक में जांग वाले लाइन को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद हाफ इंच नीचे एक लाइन और कर लेंगे। यहां पर मोरी वाले लाइन को भी आगे बढ़ाएंगे इस तरह से। इसके बाद जांग के पास ढाई इंच लेंगे इस तरह से और मोहरी के पास हम डेढ़ इंच ले लेंगे। इसके बाद मोहरी से जांग तक राउंड फंटी से शेप दे देंगे इस तरह से। इसके बाद जहां पर फ्लाई को हाफ इंच डाउन के है वहां पर ऊपर की तरफ बैक में डेढ़ इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और इस निशान को इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए तिरछा करते हुए इसको सीधा करेंगे। इसके बाद कमर के पास बैक में हाफ इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे पीछे की तरफ। ये देखिए इस तरह से हाफ इंच पे निशान लगाएंगे पीछे की तरफ। इसके बाद बैक में कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है 38 इंच, उसका चौथा हिस्सा होगा 9.5 और 1 इंच डार्ट के लिए लेंगे तो 10.5। तो सबसे पहले हाफ इंच दबाव का निशान रखेंगे। इसके बाद कमर का चौथा हिस्सा 9.5 इंच। इसके बाद 1 इंच डार्ट के लिए लेंगे। इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप का निशान हम किस तरह से अलग तरीके से लगाएंगे देखेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, हमने कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच डार्ट का निशान लगाया है, मतलब 10.5 इंच पे निशान लगाया है। देखिए यहाँ से 10.5 इंच। तो यहाँ पर दोस्तों हम हिप का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच डार्ट का निशान लगाया है 10.5 इंच पे। तो यहाँ पर हमने कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच डार्ट का निशान 10.5 इंच पे लगाया है। देखिए यहाँ पर इसमें हाफ इंच प्लस कर लेंगे और यहाँ पर हिप का निशान रखेंगे। तो इस तरह से भी दोस्तों हिप का निशान लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पर 11 इंच पे हम निशान लगाएंगे 10.5 में हाफ इंच प्लस करके। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हिप का निशान रखेंगे, यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे बैक में। इसके बाद इन निशानों को हम मिला लेंगे एक दूसरे से और लाइन को सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लाइन किए हैं, एक्स्ट्रा लिए हैं, उसको भी इस तरह से लाइन करेंगे। दोस्तों हमने अपने पैन कटिंग के वीडियो में 2 से 3 तरीके से हिप का निशान लगाना बताए हैं, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस लाइन को इस लाइन से राउंड करेंगे। ये देखिए ऊपर वाले लाइन को, और नीचे वाले लाइन को हम हिप वाले लाइन से राउंड करेंगे। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद राउंड फंटी लेंगे और जो हाफ इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया है पीछे की तरफ उसको इस तरह से शेप दे देंगे। तो इस तरह से दोस्तों बगैर प्लेट वाली पैंट की कटिंग आसान तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।